बेरोजगारी का आलम तो देखिए, जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है उसी में युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। हम उन युवाओं की बात नहीं कर रहे जो पढ़ नहीं पाए या फिर जो पढ़े ही नहीं हैं। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की अहमियत का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक IIT से पढ़े छात्र ने रेलवे ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन की है। बिहार के श्रवण कुमार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने की जगह रेलवे में नौकरी करने का फैसला लिया। श्रवण ने साल 2010 में IIT बॉम्बे के मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस ब्रांच से इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया था। साल 2015 में उन्हें BTech और MTech की डिग्री दी गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर उसे क्रैक किया। अब वह धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैकमैन का काम करते दिख रहे हैं। उनकी पोस्टिंग 30 जुलाई को धनबाद रेल मंडल में की गई। लेकिन आखिर IIT बॉम्बे से पढ़े श्रवण कुमार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी की जगह रेलवे ग्रुप डी के पद पर नौकरी करने की क्यों सोची? इसके पीछे श्रवण का कहना है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी होती है। मेरे कई दोस्त प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, लेकिन वह सरकारी नौकरी ही करना चाहते थे। श्रवण कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भविष्य में एक दिन बड़ा अधिकारी बनूंगा। फिलहाल श्रवण रेलवे की ओर से मिली जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। बता दें कि श्रवण के बड़े भाई रंजीत कुमार पटना में PWD में नौकरी करते हैं। नवतेज TV के लिए स्पेशल डेस्क से अजीत पुजारी की रिपोर्ट।